गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास टेंथ का मैथ में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बताए थे डिग्री के टर्म में। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो उसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के, कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थर्ड में आप लिखिए कि पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे पॉली का मतलब आपको क्या बताए थे, पॉलिनोमियल फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल हम आपको दिए और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलेंगे 1। तो 1 के लिए हम लोग यूज करेंगे मोनो, मोनो का मतलब 1। ठीक है, नोमियल फिर वही हो गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, तब आप कह सकते हैं कि मोनोमियल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो का मतलब हो गया 1। अच्छा, अभी जो सवाल किया गया कि अच्छा बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी जवाब सही है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हैं। तो अब आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए, मोनोमियल कहिए, दोनों सही है। ठीक है, जैसे अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए टर्म के बेसिस पे, देखिए अगर टीचर आपसे सवाल पहले ही डिफाइंड कर देते हैं, जैसे अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि अच्छा जी बताओ डिग्री के बेसिस पे इसको हम लोग किस तरह का पॉलिनोमियल कहेंगे, तब आपको तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे आपसे कहा गया कि अच्छा बताइए ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तब आपको बोलना पड़ेगा मोनोमियल। जैसे यहां पर भी अगर आपसे पूछा गया कि डिग्री के बेसिस पे बताइए कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टर्म है तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय। तो यहां पर लिखेंगे बायनोमियल। और 11th में जब जाइएगा ना, तो बाइनोमियल एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता है, बाइनोमियल थ्योरम कर करके। ठीक है, तो ये सब आगे फिर सीखेंगे हम लोग। जैसे अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए टर्म के बेसिस पे बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितना टर्म है, 1, 2, 3, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए तो सारा है सो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चला, तो यहां पे डिग्री 2 है, यहां पर भी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर बताए थे वेरिएबल पे, यहां पर भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। लेकिन अगर टर्म के बेसिस पे पूछा जाए तो ये आपका मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। जैसे अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि 0 पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल। यहां तक बोलिए सबको समझ में आ गया। तो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पहले भी बता चुके थे फर्स्ट क्लास में डिफिनीशन जब लिखाए थे, कि कोई भी हम लोग पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो जो पावर होता है जनरली एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसा रूल इसलिए बना दिया गया, देखिए अगर हम ऐसा लिख दें -x + 2x² और +5,
अब आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, है या नहीं है? ऑब्वियस है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर टीचर पूछे क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, तो सर एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। नहीं, पॉलिनोमियल है, लेकिन जनरली एक कंसेप्ट बता दिया गया कि बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो, तो इसीलिए पावर जो है या तो एसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। लेकिन आप इस तर्क के बेसिस पे इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं है, और रीजन आप बता रहे हैं कि ये एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। नहीं, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन में आपको बता दिए थे कि वेरिएबल पे जो पावर होता है, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वहां पे वेरिएबल पे जो पावर होता है वो क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल होता है। तो सब लोग को ये बात समझ में आया, तो नीचे आप एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि इफ ए पॉलिनोमियल है ओनली वन वेरिएबल, अगर किसी, और यहां पे हम लोग को वन एक ही वेरिएबल का पढ़ना भी है, तो कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल उसमें एक ही वेरिएबल है, देन द टर्म्स आर यूजुअली रिटेन आइदर फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री और फ्रॉम लोएस्ट डिग्री टू हाईएस्ट डिग्री। ये जनरली एक रूल बना दिया गया, लेकिन अगर एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर में नहीं भी लिखा हुआ है तो उसको आप गलत नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। बात सबको समझ में आ गया कि अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, तब कहता है कि जनरली जो हम लोग कह रहा है कि देन द टर्म्स आर यूजुअली क्या कैसे लिखते हैं, रिटन आइदर फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री, या तो आप हाईएस्ट से लोएस्ट लिखिए या फ्रॉम लोएस्ट डिग्री टू हाईएस्ट डिग्री, या लोएस्ट से आप हाईएस्ट लिखिए। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब बारी बारी से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, मोनोमियल किसको कहेंगे, बाइनोमियल किसको कहेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए मोनोमियल। मोनोमियल का डिफिनेशन में लिख लीजिए कि पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखिए 5x⁴। अब आपसे पूछा जाए कि टर्म के बेसिस पे बताइए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलेंगे, मोनोमियल है। लेकिन अगर यही सिंपल आपसे पूछा जाता है कि अच्छा जी बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर है तो कितने डिग्री का है, तो आप बोलते हैं कि ये 4 डिग्री का है। या आपसे पूछा जाता कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कह सकते थे कि सर ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है। लेकिन ये डिपेंड करता है टीचर पे कि टीचर आपसे क्वेश्चंस कैसे कह रहे हैं। अगर आपसे सिर्फ पूछा गया कि हाँ जी ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये स्टूडेंट पे अब डिपेंड करता है। किसी स्टूडेंट को दिखा कि पावर 4 है तो बोलेंगे सर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसी स्टूडेंट को दिखा कि नहीं इसमें एक ही टर्म है तो वो क्या बोलेंगे, मोनोमियल है। दोनों जवाब सही है। अब कोई बच्चा मोनोमियल बोलेगा तो उसको ये बोल करके नहीं बोलेंगे टीचर कि हाँ गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो बाइक्वाड्रेटिक है। क्यों? टीचर आपको ये नहीं बताया ना कि आपको किसके टर्म में, डिग्री के टर्म में आपको क्लासिफिकेशन करके बताना है कि टर्म के टर्म में क्लासिफिकेशन करके बताना है। तो देखिए 4x है, इसमें भी कितना टर्म है, एक टर्म है, तो इसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे 2 है तो 2 भी आपका पॉलिनोमियल है। अब कैसे, क्यों 2 को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, तो पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में भी बता चुके हैं, यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x⁰। x का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर 0 है, और किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, या ये मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे 7x³ है, अब ये देखिए इसमें एक टर्म है तो आप इसको मोनोमियल कह सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
लेकिन यहाँ पे हम लोग मोनोमियल अभी पढ़ रहे हैं, तो टर्म के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ही बात करें एसेट्रा। जैसे अब आपको सेकेंड में क्या बताया, बाइनोमियल, तो अब तो सब लोग के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि बाइनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें दो टर्म होता है, जिसमें दो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो यहां पे डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर आपका दो टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब 2x टू द पावर 5 माइनस 7x दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, तो दो टर्म है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे बाइनोमियल। लेकिन अगर कोई टीचर बोल दिए कि डिग्री के टर्म में बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितना है 5, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम जो पावर आ गया कितना आ गया 5, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे 3x² + 2x, इसमें भी देखिए कितना टर्म है, दो टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एसेट्रा, सबको समझ में आ गया। तो जहां पे एक टर्म होगा उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे, जहां पे दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे। ठीक उसी तरह से थर्ड में ट्राइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल आप लोग को पता चल गया, ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 7x³ + 2x² - 5x। अब आपसे पूछा जाए कि टर्म के बेसिस पे बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, तब आपको क्या देखना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। लेकिन अगर इसी में कोई टीचर बोल देते कि अच्छा डिग्री के बेसिस पे फिर बताइए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप देखिए कि मैक्सिमम पावर जो है आपका 3 है, तो आप क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 8x² + 2x² + 7 है। अब यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सब लोग को समझ में आ रहा है, यानी कि टर्म के बेसिस पे अगर आप पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत ही आसान होता है। और ये बाइनोमियल आपका फिर 11th में जब आइएगा तो मैथ अगर लेकर के पढ़ते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम करके एक पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, बाई का मतलब क्या हो गया, दो, और वहां पे चैप्टर का नाम बाइनोमियल थ्योरम क्यों हुआ, तो ये सब आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। जैसे आप ना कोई भी चीज का फॉर्मूला लिखते हैं, a + b² ठीक है, तो a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b², ये फॉर्मूला आया कहां से, तो यही बाइनोमियल थ्योरम से आता है। समझ में आ गई बात, अगर आप ये पढ़ लेंगे ना चैप्टर, तो अभी तो आपको क्या होता है 9th-10th में जनरली स्टूडेंट को a + b² क्या होगा तो आप बता देते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है a + b³, तब ये भी फॉर्मूला आपको याद होता है। लेकिन अगर जैसे ही टीचर पूछ देंगे ना कि हाँ जी a + b² 5 बताओ, तो शायद आप नहीं बता पाते, ठीक है। तो किसी दिन आपको तोड़ने के लिए सिखा देंगे कि a + b² 5 6 10 100 कैसे तोड़ते, 10th में किसी दिन हम सिखा देंगे, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से ही आता है। बाय का मतलब हो गया दो टर्म, और उसका जब पावर है उसी को आप फॉर्मूला के रूप में जब आप एक्सपेंड करते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक सभी लोग नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तो कह रहा है कि जिसमें एक ही टर्म होगा और वो क्या होगा, रियल नंबर। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा और वो कैसा होगा, रियल नंबर। जैसे अभी आपको बताए थे कि 2 जो है आपका पॉलिनोमियल है, आपसे पूछा जाए कि 5 पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 5 है, सो पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि √5 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो √5 भी आपका पॉलिनोमियल है। पिछले क्लास में भी बता दिए थे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है।
तो पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? तो कहते हैं कि पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होगा लेकिन वो एक टर्म में क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो और वो कैसा हो, रियल नंबर हो, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, तब आप क्या बोलेंगे, जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल में देखिए, टू है, तो टू है सो इसमें वन टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वन टर्म तो है लेकिन वह वन टर्म में है क्या, रियल नंबर है। वन टर्म तो आपको अभी पढ़ा है, ये भी इसमें भी तो एक ही टर्म है ना, लेकिन क्या इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, नहीं कहेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए एक टर्म तो होना ही चाहिए, बट वो टर्म में क्या होगा, रियल नंबर होगा। वो टर्म में क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे यहां पे लिखा गया माइनस फाइव, तो माइनस फाइव भी है सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे आपसे लिखा गया यहां पे रूट थ्री, तो रूट थ्री भी है सो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, क्योंकि रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ये कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, ये कैसा नंबर, रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर, रेशनल नंबर। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, अगर आपसे बात किया जाए कि उसका डिग्री क्या होगा, तो जीरो डिग्री एसेट्रा। समझ में आ गया? पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है तो इसका डिग्री बताइए, तो क्या बोलेंगे, जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? तो जीरो पॉलिनोमियल का सबसे पहली बात जान लीजिए कि कोई डिग्री नहीं होता है। जीरो पॉलिनोमियल का कोई डिग्री नहीं होता है। दूसरा, हर एक टर्म का कोफिशियंट जो होगा वो जीरो होगा। पहले आप समझिए बात को, क्या बोला जा रहा है, हर एक टर्म का कोफिशियंट। जैसे अगर हम यहां पे लिख दें एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका जो कोफिशी, अभी एक्स क्यू का कोफिशियंट क्या है, नहीं कुछ है, इसका मतलब वन है, लेकिन कह रहा है कि हर एक टर्म का कोफिशियंट अगर जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। टर्म कितना भी हो, पावर कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर सारे टर्म का कोफिशिएंट जीरो है, तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। बात सबको समझ में आया? जैसे एग्जांपल में देखिए, अब यहां पे आप ये नहीं बोल सकते, अगर कोई टीचर पूछ दिया कि हाँ जी बताओ ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे कि सर फोर डिग्री का। क्यों जी? तो सर यहां पे पावर फोर है। गलत, यहां पे ये क्या डिग्री का पॉलिनोमियल, डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका कोई डिग्री नहीं होता है। अब यहां पर देखिए, इसका कोफिशियंट भी जीरो, इसका भी कोफिशियंट जीरो, और कॉन्स्टेंट टर्म भी जीरो। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, जीरो। बताए थे ना, जो पहले लिखा हुआ रहता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। यहां पर क्या है, x क्यू का कोफिशिएंट जीरो, यहां पर x का कोफिशिएंट जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एसेट्रा। एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके क्या लिखिएगा, भी अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका कोई डिग्री नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका कोई डिग्री नहीं होता। तो यहां पे नोट करके लिख लीजिए कि जीरो पॉलिनोमियल है, नो डिग्री। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका कोई डिग्री नहीं होता। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट में करके जरूर बताइए, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।